हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सभी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन मेथड से सबमिट करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। इससे पहले ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन फ्री में अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको अब क्या प्रोसेस करनी है। आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है, सबमिट किया है, तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट लेनी है। उसके साथ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, टीसी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं और आपके कॉलेज में सबमिट करना है। कॉलेज में सबमिट करने के बाद आपको 5 या 4 दिन वेट करना है, आपको मैसेज आता है या नहीं चेक करना है। वो मैसेज किसका आएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं इसका मैसेज आएगा। यदि आपका फॉर्म 5-6 दिन हो गए अभी तक आपको मैसेज नहीं मिला है तो आपको आपके एप्लीकेंट लॉगिन में लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होगा। फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेंट लॉगिन यूज़र नेम एंटर करना होगा, नीचे आपका पासवर्ड एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करना होगा और नीचे आपको लॉगिन हियर पर आपको क्लिक करना है, आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके ये पोर्टल ओपन किया है। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको माय अप्लाइड स्कीम पर क्लिक करना है। माय अप्लाइड स्कीम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन एंड फंड डिसबर्स एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन अंडर स्क्रूटिनी में मिल सकता है या अप्रूव्ड में मिल सकता है, तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर स्क्रूटिनी में अभी तक है। तो आपको एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज क्लर्क ने मेरा एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए भेजा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल। यदि 5-6 दिन हो गए, फॉर्म सबमिट भी किया है, अभी तक कॉलेज क्लर्क ने आपका एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए भेजा नहीं है तो आपको आपके कॉलेज क्लर्क से कांटेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।